ओए ओए यार, ये पहले क्यों नहीं लेके आए? बाप बिरयानी नली का बच्चा था ये जिन आया पूरा ये। ओए 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 यार, क्या चीज है ये। दिखरी में ये स्पेशल चटनी है कोई आपके नीचे पहले? थोड़ी थोड़ी चटनी डाल के ट्राई करना। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। अभी हम कराची में ही मौजूद हैं और अभी हम आए हैं इस वक्त नर्सरी बन कबाब पे। बन कबाब कराची की एक पहचान है पूरे कराची में। बन कबाब, जब कराची का नाम आता है तो बन कबाब का नाम लाजमी आता है। बन कबाब का नाम आता है तो कराची का नाम भी लाजमी आता है। इसके बाद हम जाके पाकिस्तान फ्रूट चाट है जो कि इसके करीब ही है, वहाँ से फ्रूट चाट ट्राई करेंगे। उसके बाद हम जाएँगे लियाकताबाद के अंदर, वहाँ की फेमस गौसिया नली बिरयानी है, वो नली बिरयानी चेक करेंगे जाके इंशाल्लाह। ये नर्सरी का एरिया है सारा, ये सारी फर्नीचर मार्केट है। ये टावर है, इसके नीचे आएंगे आगे को अल खैर फर्नीचर है और ये डी स्टाइलो है। इसके इस दरमियान में ये जो कॉर्नर पे पॉइंट है ये है जिस नर्सरी बन कबाब। अभी इनके पास चल गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है। क्या बना रहे हैं? बन कबाब बना रहे हैं? कितने का है ये? दाल अंडे वाला ये बन कबाब 90 रुपए का। दाल अंडे वाला बन कबाब 90 रुपए का, और इसके अलावा? अच्छा, चिकन चपली बीफ चपली भी होता है जो फेमस है वो दाल वाला है ना? दाल वाला बीफ चपली दोनों फेमस है। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम सफीर है। सफीर अहमद भाई, सफीर भाई कब से बना रहे हैं ये? आपको, अच्छा आपको 10-12 साल हुए लेकिन शॉप 50 साल पुरानी है? 50 से ऊपर हो गए, कम से कम 50 है। सही है। तो आप लोगों की टाइमिंग क्या, कितने बजे खोलते हैं सुबह, कब बंद करते हैं? 12 से 12 का टाइम है। ऐसे बन कबाब 24 घंटे चलता है कराची में? ये शामी है, दाल शामी ठीक हो गया। ये चिकन, ये चपली है, ये चपली है सर, ये आलू वाला है। ये आलू वाला है, अच्छा। ये चिकन चपली है, ये बीफ चिकन, ये नीचे चिकन है, नीचे चिकन चपली ये है, अच्छा सही हो गया। ये बीफ चपली है भाई और ये आलू वाला। दिन में कितने बनाते हैं बन कबाब आप? अच्छा, थकते नहीं आप? थकते नहीं है? अच्छा, ये स्पेशल चटनी है कोई आपके नीचे पहले? इसमें क्या क्या डालते हैं आप चटनी में? हरी चटनी टाइप की चीज़ें? हाँ सही है, सही है। एक बीफ चपली लगा दें और एक दाल शामी जो भी होता है, दाल अंडे वाला, हाँ एक वो लगा दें। नॉर्मल रखें, बस नॉर्मल ट्राई करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है जी, तो जी ये हमारे पास बर्गर आ गए, ये हमारे पास बीफ चपली है और ये दाल अंडे वाला है। ठीक हो गया जी, ये दाल अंडे वाला बन कबाब, ये बीफ चपली वाला बन कबाब, इसको ट्राई कर लेते हैं अभी। यार क्या कमाल चीज़ है यार, इतना सिंपल सा सुनाएगा। इसमें शायद ना ये अंडा डालना भूल गए, सिंपल कबाब वाला ये बन और कबाब ही है, बन कबाब ही है ये। थोड़ा सा इसमें सैलड उन्होंने नीचे डाला हुआ है, सैलड है, सलाद का ये पत्ता रखा हुआ है इसके ऊपर, ऊपर एक टमाटर इन्होंने रखा हुआ है और कबाब, और जिस सारी जो गेम है ना वो चटनी की है, जो नीचे चटनी लगाई हुई है ना बेस के अंदर, वो चटनी की सारी गेम है, उसकी वजह से फ्लेवर बड़ा कमाल रहा है। चाय के साथ खाने के लिए बहुत फिट चीज़ है ये। इसके बाद चटनी है, सारी गेम चटनी की है, हम चटनी को इसके ऊपर डाल के इसके ऑप्टिमम बाइट बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी चटनी डाल के ट्राई करना, ज़्यादा चटनी डाल के इतना सारा मुंह कड़वा हो गया। मैंने भी इट्स अ गुड थिंग यार। और जी ये बीफ चपली बन कबाब, यही अच्छा है, चपली कबाब अच्छा है। चपली कबाब में जिस तरह टिपिकल अनारदाने का फ्लेवर आता है ना, अनारदाने का, और खटास सी आती है हल्की सी, वो आ रही है इसके अंदर। नर्सरी बन कबाब, यहाँ से हमने बन कबाब ट्राई कर लिए, चपली कबाब भी अच्छा था और दाल वाला शामी कबाब था वो भी अच्छा था। हमने इनको अंडा डालने का कहा था लेकिन अंडा डालना वो भूल गए थे, बन कबाब फिर भी मज़े का था। और ये है कि एज अ स्नैक इसको लेके चल सकते हैं, एज अ स्नैक इट्स अ वेरी गुड फूड।
बन कबाब ऐसे ही खाया जाता है कराची में। हाँ ऐसे ही खाया जाता है। कल तो चिप्स खाने तो आप बन कबाब खा लो। बन कबाब खा लिया बस, ये फौरन तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है और आप खा लो। अच्छा स्नैक है। अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान फ्रूट चाट पे जी। काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी और काफ़ी फेमस है। काफ़ी फेमस भी है और टेस्टी भी है ना। बहुत कराची में हर चीज़, जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने ट्राई की है ना, सिवाय एक आधी चीज़ के सब कुछ टेस्टी था। उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊँगा। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं पाकिस्तानी फ्रूट चाट में। मेरे बैग पे आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तानी फ्रूट चाट है। काफ़ी पुराना सेटअप है इनका, इनके पास चल के अभी देख लेते हैं। क्रीम वाली भी है, बगैर क्रीम के भी है। ये चेक करो, सामने आम आ रहे हैं, फेमस है भाई। अवारी टावर की साइड से जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे शाहराह फैसल के ऊपर, तो पीछे आएगा नर्सरी का ब्रिज। नर्सरी का ब्रिज जिस तरफ कहीं पर है, नर्सरी के पीछे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये शाहराह फैसल पर मेन भाई आपके लेफ्ट साइड पर ये एरिया आएगा, जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फर्नीचर भी लिखा हुआ है इसके बिल्कुल साथ है, ये पाकिस्तानी फ्रूट चाट। इसको एक और निशानी ये भी है कि अलनाज बिरयानी सेंटर कॉर्नर पे है। इस कॉर्नर का बिल्कुल साथ ये है पाकिस्तानी फ्रूट चाट। अगर आप गूगल मैप से इसको लोकेशन को सर्च करेंगे तो आपको गूगल मैप से भी ये मिल जाएगी। अभी इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? क्या नाम आपका? कब से चला रहे हैं आप ये सेटअप आपका? ये लिखा हुआ है अच्छा 69 से। ये फ्रेश फ्रूट डाला ऊपर से, आपने क्रीम डाली है? ठीक हो गया, फ्रेश फ्रूट में क्रीम डाली। अच्छा कौन कौन सी चाट होती है आपके पास फ्रूट? ये मसाले वाली है, ये क्रीम वाली है। ठीक हो गया, ये मसाले वाली चाट है ना? यस। तो कौन सी खानी है? क्रीम वाली, क्रीम वाली स्पेशल है, क्रीम वाली। हाँ यूट्यूब, यूट्यूब है। नहीं यू वेलकम। नहीं नाराज़ हो रहे हैं? नहीं नाराज़, मैं चला जाऊँ? नहीं नहीं, मैं लाहौर से आया, चला जाता हूँ। कोई बात नहीं। ये पपीता, ये पपीता है तो सामने इनका सेटअप है, और ये इस तरफ जो है ये इस टावर के नीचे टीसंस के साथ यहाँ पे इनकी फ्रूट की कटिंग हो रही है। ये स्ट्रॉबेरी कट रही है, ये स्ट्रॉबेरी कट रही है, वो स्ट्रॉबेरी कट रही है। यार माशाल्लाह बड़ी स्पीड है आपकी। ये पपीता कट रहा है भाई, वाह यार, इतनी आराम से काट लेते हैं माशाल्लाह यार। ये केला कट रहा है यहाँ पे, ये सारा पीछे जो है ना, ये सारा यहाँ पे कटिंग हो रही है। और एक चीज़ तो कंफर्म है, ये सारे का सारा जो फ्रूट है ये फ्रेश है, और जो फ्रूट चाट बन रही है वो फ्रेश फ्रूट की बन रही है, क्योंकि इधर ही कट रहा है, इधर से कट के, इधर से कट के वो टब जा रहा है वहाँ पे, इधर कटता है और फ्रेश फ्रेश बनती रहती है फ्रूट चाट वहाँ पे और निकलती है। क्या बात है यार, फ्रेश फ्रूट चाट ये है। अच्छा ये अट्रैक्टिव चीज़ है। ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम है। लो जी ये हमारी आ गई क्रीम चाट। आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद इमरान भाई। इमरान भाई लेके आए बड़े प्यार से, जज़ाकअल्लाह। लो जी ये क्रीम चाट है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं इंशाल्लाह। इसमें जो है ना मतलब कमाल की खुशबू और कमाल का जो है ना इसका टेक्सचर है। ये देखो सारी थिकनेस क्रीम की है और फ्रूट सारे का सारा फ्रेश है। अभी मैंने आपको दिखाया है और मैं खुद भी देख के आया हूँ, सब फ्रेश कट रहा है। और ये जो है इसको चेक कर लेते हैं। इसमें मज़े की बात ये, इसमें इन्होंने पपीता शामिल किया हुआ है। मुझे लग रहा था आम है लेकिन ये पपीता है। पपीते के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं भाई, इसको ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ओए होए यार, इसमें दो चीज़ों के पैसे हैं, एक क्रीम के, क्रीम की मिठास, और जो ठंडी है ये, उस चीज़ के सारे पैसे हैं। अगर आप कराची में मौजूद हैं और दिन की गर्मी के आप सताए हुए हैं, तो जैसे ही असर के बाद का वक्त शुरू होता है उस टाइम आप यहाँ पे आएँ और ये फ्रूट चाट खाया, आपकी सारी गर्मी गर्मी निकल जाएगी इंशाल्लाह। बहुत आला है यार, बड़ी फिट चीज़ है माशाल्लाह। जैसे ही पहली बार मुँह में जाती है ना, मुझे ठंडक है ना वो अंदर तक महसूस होती है, मतलब बाइट अभी यहीं पे होती है लेकिन ठंडक दिमाग में और कलेजे में पड़ जाती है। बहुत आला। अरे पाकिस्तानी फ्रूट चाट हमने खा ली है, वाकई पाकिस्तानी फ्रूट चाट है यार, कमाल किस्म की फ्रूट चाट है। अगर इसका नाम पाकिस्तानी फ्रूट चाट है इस वजह से भी है क्योंकि ये पाकिस्तानी है। अगर आप स्नैक लेना चाह रहे हैं तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि फ्रूट चाट ट्राई कर लें। मेरा जाती राय आपके साथ, जाती मशवरा को ये है, बाकी आगे थोड़ी मर्जी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम यहाँ से जा रहे हैं गौसिया नली बिरयानी लियाकताबाद में। लियाकताबाद की सबसे जो फेमस, वर्ल्ड फेमस जो बिरयानी है वो गौसिया की नली बिरयानी है। तो स्लोगन है, हाँ, जानवर की जो चर्बी होती है और जो जो नली का रोगन बनता है ना पक पक के, उसके अंदर वो चावलों को पकाते हैं और फिर साथ में नली अलग से भी देते हैं। यखनी होती है ना जो यखनी, हड्डियों की यखनी जो होती है, हड्डी और गोश्त की जो यखनी होती है वो उसमें बनाते हैं, उसी के अंदर ही ये बनती है। हाँ सही, उसमें जाकर वो ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। तो अभी वहाँ चलते हैं। हम आ गए लियाकताबाद के अंदर, और लियाकताबाद में हम यहाँ पे मौजूद है गौसिया नली बिरयानी पे।
इसके बारे में लिखा हुआ है लखताबाद की मशहूर वर्ल्ड फेमस घोसिया नली बिरयानी। लखताबाद के बारे में बता दूँ आपको कि ये बहुत बड़ी मार्केट है होलसेल की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं और उसके अलावा मसाला जात हैं। जिस तरह लाहौर में शालम मार्केट होती है, रावलपिंडी के अंदर राजा बाजार है, उस तरह की ये मार्केट है। और यहाँ पे इन सारी मार्केट के दरमियान में ghousia nalli biryani मौजूद है, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह की रहमत, आप लोगों की मोहब्बत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। मोहम्मद साकिब। मुझसे मिले? मैं साकिब मुबीन। अरे हाँ, डबल एस। हाँ डबल एस हो गया। ये मोहब्बत होती है, ये नजर आना, पहली नजर आना शुरू हो गई है, सिग्नल ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं पहले से। सही है। तो क्या, कब से चला रहे हैं भाई आप? ये 1992 में हमारे वाले साहब ने स्टार्ट करा था, नॉर्मल बीफ बिरयानी के नाम। नॉर्मल ghousia बीफ बिरयानी थी, एक नॉर्मल जो बिरयानी होती है। अच्छा, सादी। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आप जैसे भाइयों को, अल्लाह ताला ने आप जैसे लोगों को सबको एक असबाब बनाया, वसीला बनाया जी। ghousia nalli biryani एक नाम दिया अल्लाह ताला ने। बिल्कुल, सक्सेस से पीछे अल्लाह ताला का हाथ होता है। सही है। माँ बाप की दुआ और आप आवाम की दुआ होती है। सही हो। ये इसकी लॉजिक है और इस पर घी तेल नहीं डलता। अच्छा। नली और गोशी हल्दी से बनती है। ओ हो हो हो। हल्दी डलती है। ओ वाह। ये खाना वो जो हेल्थ के लिहाज से भी अच्छा। वाह, ये तो ऐसे ऐसे फैट्स है ना, ये तो मतलब प्रोटीन ही प्रोटीन है। सर लॉजिक ही ghousia nalli biryani की ये है कि इसमें घी तेल नहीं डलता, नली और गोशी अखनी में बनता है। इसका चावल का हर दाना, हर बाइट उसका अरूमे का मजा देता है आपको। सही हो गया। अलग अलग है दुनिया में, आप डीप करते चले आए। हाय हाय हाय। हम जो है ना वो निवालों को गोते देते हैं ऐसे शोरबे के अंदर, आप हमें जायके की दुनिया में अभी से गोते दे जा रहे हैं। अल्लाह की रहमत से बहुत आला। चले इनके पास चलते हैं। आप जा आप जा ओए नली में ही पकती है, नली के अंदर ही पकती है, बगैर घी बगैर ऑयल के। ऊपर नली डाल के जो मजा आता है वो अलग है, लेकिन जो पकी होती है वो दूसरे लोग भी बना लेते हैं। जो अंदर जो नली के साथ ये पकती है, जो पकाने का तरीका है वो भी पकती है। हाय हाय हाय। मेरे मुंह में पानी आ रहा है आपकी बातें सुनकर। बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह। आप खाएंगे तो आप खुद बोलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह गरम गरम बहुत स्वाद है। ये ना दो पतीले चल रहे हैं, एक ये पतीला चल रहा है, एक ये पतीला चल रहा है, उसके अलावा एक और पीछे पतीला है वो शायद बंद है, लेकिन एक पतीला तकरीबन 10 किलो का पतीला है ये भी, और ये सादा जो पतीला है ये भी 10 किलो का पतीला है। दिन में 30 से 35 पतीले सेल करते हैं, ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक ये सीन चल रहा था। इस तरफ भी हॉल है, इस तरफ भी हॉल है, और बाकी सबका यहाँ पर बुरा हाल है। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? 5 साल से आ रहे हैं। सही बात है। पैसे पूरे हो रहे हैं? पैसे वसूल होते हैं खा के? अच्छा, सही हो गया। आप दूसरी दफ़ा आए हैं? ये दूसरी दफ़ा है, मैं 5 साल से उनको लेकर आया हूँ। सही हो गया, बेहतरीन। हाफ के जी और फुल के जी। अच्छा, के जी का क्या होता है? आप हाफ के जी 340 रुपये की है, बगैर नली की। बगैर नली की 100 रुपये की अलग से आती है। अच्छा ठीक है, 300 यानी 440 की नली बिरयानी हाफ हो जाएगी। हाफ के जी, हाफ के जी। एक बंदा खाता है, दो बंदे खाते हैं? एक बंदा टाइट हो गया, टाइट हो गया खाता। अच्छा ठीक हो गया। और जो के जी है वो 780 रुपये की है, नली डाल के, नली के साथ, नली के साथ 780 रुपये की है। सही है, ठीक है। आप हमें ऐसा करें, एक हाफ के जी कर दें नली के साथ, ठीक है। मसाला कैसे होगा? स्पाइसी नॉर्मल। आप लोग कैसा मसाला खाते हैं? अपना बताएं आप। ये वाली जो बिरयानी खाता हूँ ना, फुल मसाले खाता हूँ मैं भी, वही खाऊंगा। तो हमारी बिरयानी में जो है ना मिर्ची नहीं होती, मसाले हमारे अपने होते हैं खुद, जैसा आप खाते हैं ना। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कराची वाली बना?
जैसी आप खाते मैंने वैसी खाई असली बिरयानी जो देखो जो बनाने वाला खुद बनाता ना उसको पता था उसने कैसा बनाया और कैसे उसको खाना है असली बिरयानी लाएंगे हम बस ले असली ले जूसी ले जैसी बड़ी जैसी मर्जी ले ओरिजिनल गौसिया नल्ली बिरयानी सर लैकबाद की बड़ी बोल फेमस है इसको पूरा वर्ल्ड से लेकर चारों पाकिस्तान के सूबे इसको बहुत फेमस करते हैं सिर्फ दुनिया में जानी जाती है पूरी दुनिया में सर हम जाते हैं दूसरे सियारों में भी मरीख तक लोग इसको जाने इसको बिल्कुल चांद पे भी पहुंच जाएंगे अल्लाह पहुंचाएगा अंग्रेज तो जितने अंग्रेज जाते हैं ना जितने अंग्रेज जाते हैं वो चाहे वो उनको चाहिए कि ये यहाँ से पैक करा करा के ऊपर लेके जाए चांद पे जा ही सकता ना सर अंग्रेज नहीं जा रहा ना कैसे जाएगा हम जाएंगे जब अल्लाह लेके जाएगा ओ यार ये कार्ड के साथ है ये देखो ये आपको इस कार्ड की जरूरत नहीं है वैसे आपको दुनिया जानती है माशाल्लाह आपको पूरा पाकिस्तान जानता है ये कार्ड की ज़रूरत नहीं है आपको माशाल्लाह लो जी हमारी बिरयानी आ गई है और इसका ये ओए होए होए ये गुदा इसका नरम कर रहे हैं झाड़ के निकालेंगे झाड़ के ठीक हो गया ओ हो हो ओ खैर ओ ये देखो यार अब पूरी नली बाहर आ गई कुछ भी नहीं बचा अंदर खाली हो गई बेहतरीन सही हो गया ये देखो ये नीचे से ये मसाला है नीचे ये चीज़ ओए हुए यार ये पहले क्यों नहीं लेके आए बाप बिरयानी ये बाप बिरयानी का क्या चक्कर है सारों का बाप है यार ये चेक करो यार ये देखो तो ये जो नली है ये छोटी सी नली का बच्चा था ये देखो ये जिन आया पूरा ये ओए होए होए यार क्या चीज़ है ये बीफ है और ये नली है क्या बिरयानी है यार इसको चेक करते हैं अभी तो जी ये हमारे सामने जो है ना नली बिरयानी आ गई है ये देखो नलियाँ चेक करो इधर यहाँ पर नली की नदियाँ बही हुई हैं यहाँ पर ये भी नली है ये भी नली है ये भी नली है ये चेक करो कितनी नरम है यार सही जो एक्चुअली गूदा होता है ना बहुत नरम वो चीज़ है और ये साथ में जो है बीफ है ये बीफ है ये बीफ और ये इसकी बिरयानी जो है इसकी पूरी एक हम बाइट बनाते हैं पहले सिंपल बाइट ट्राई करेंगे गोश्त के साथ उसके बाद ऑप्टिमम बाइट बनाएंगे नली के साथ तो ये पहले आ गई सिंपल बोटी ये सिंपल बोटी आ गई ओ किधर जा रही है ज़रा ये बोटी आ गई और ये साथ में जो है ये इसमें चावल ये तो गोश्त के साथ चावल बिरयानी है इसको ट्राई कर लेते हैं पहले बिस्मिल्लाह बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाले नहीं है ये लेकिन जो चावल के दाने में चावल के एक एक दाने के अंदर जो गोश्त का जायका आ रहा है और जो नली का जायका आ रहा है ना यार वो बहुत कमाल है बहुत ज़्यादा अरे मैं ऐसे खाली चावल ट्राई करूँ बगैर नली के क्योंकि नली के अंदर ऑलरेडी पके हुए हैं सिर्फ चावलों का टेस्ट चेक करने के लिए कि चावलों में क्या चीज़ है वो चेक करने के लिए मैं खाली चावल ट्राई करूँ बहुत ज़्यादा जैसे पुलाव के अंदर जो ना गोश्त को अच्छी तरह पकाते हैं नलियाँ पिघल पिघल के नलियाँ पक पक के पुलाव के अंदर चिप चिप करती हैं उस तरह के चावलों में उस तरह का फ्लेवर आ रहा है और इसके एक ऑप्टिमम बाइट ट्राई करते हैं यार ये देखो ये गोश्त है ये रेशों वाला गोश्त है जो गोश्त यहाँ नली चेक करते हैं यहाँ से नली आएंगे ये नली आ गई ये गोश्त आ गया और ये आ गए चावल दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ ghousia nalli biryani बिस्मिल्लाह इनके पास है सादगी बिरयानी 340 की 340 की है ना ये बगैर नली के इसमें नली नहीं होगी एक्स्ट्रा नहीं होगी नली 100 रुपये दे देना 100 रुपये लाजमी दे देना एक्स्ट्रा नली डलवा के खाना ये बगैर नली के खाने वाली बिरयानी नहीं है ये इसमें सारा टेस्ट सारा टेस्ट ही नली का ये देखो यार ये ज़रा सी भी नली आ जाए ना ये जो गूदा है ये बोन मैरो है ज़रा सा भी ले लो ना इसका अपना एक कमाल फ्लेवर है ये साथ में गोश्त साथ में ये चावल ये यार ये बहुत फिट चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इतने तरीके से पकी हुई है ये बिरयानी का भी बाप है और ये पुलाव का भी बाप है
روغن ہے اس کے اندر سارا گھی نہیں ہے ہلدی کا یہ فائدہ ہے کہ وہ مطلب آپ کی صحت کو اچھا رکھتی ہے اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہے درد وغیرہ ختم کر دی ہے ہلدی ٹھیک ہے تو یہ بریانی کھا کے دردیں بھی ختم ہو جائیں گی جوڑوں کی غوثیہ نلی بریانی انرجی 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 اور بھائی میں تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں محبت ہے عام کریں محبت ہے عام ہوں گی تو نفرت خدا ہو مٹے گی بہترین ماشاء اللہ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے نفرت بانٹنے سے کم ہوتی ہے ہاں نفرت سے بانٹیں گے تو اور کم ہوئیں گے یہ سب کو بتانے کے بھائی نفرت غلط چیز ہے محبت ہوگا پرچار کریں پوری دنیا میں محبت ہوگا عام کریں اور آپ اس میں مل جل کر رہے ہیں کیونکہ ایک محبت ہی ہے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو اپنا حفظ و امان پر رکھے اللہ سے یہی دعا ہے ہماری سر غوثیہ نلی بریانی تو آپ کی اپنی بریانی ہے سپنوں کی رانی ہے غوثیہ نلی بریانی ہے بہت مزے کی بریانی ہے اچھا زیادہ چیز جو ہے مجھے جو چیز اچھی لگی ہے اس میں اسپائسیز اتنے بیلنسڈ ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا مسالہ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے اس کے اندر یخنی کے اندر پکی ہوئی ہے یہ پلاؤ کا ٹچ زیادہ ہے بریانی کا ٹچ کم ہے لیکن ٹیکسچر اور لک اینڈ فیل ساری بریانی والی ہے مسالے بریانی کی طرح کے ہیں ٹیکسچر بریانی والا اور ذائقہ پلاؤ والا تو اس لیے آج سے بہت کمال کی جا رہی ہے بہت اعلیٰ آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ریفرنس سے کوئی بھی آئے صرف غوثیہ نلی بریانی آئی لو یو پہ آئے اور ہمیں خدمت کا موقع دیں کیونکہ ماشاء اللہ سے جو محبت اور جتنے خلوص اور جتنی خلوص نیت کے ساتھ انہوں نے آپ کے لیے محبت کی کیونکہ لاہور سے آئے صرف آپ کو اچھا کھانا دکھانے کے لیے کہ اچھی چیز ملتی ہے اور ہیلتھ کے لحاظ سے بھی اچھی ہو کیونکہ ماشاء اللہ ان کی بڑی محنت ہے میں نے جس طریقے سے دیکھا ویڈیو بناتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بھائی ان کو اور انرجی عطا فرمائے ان کو صحت عطا فرمائے کیونکہ ان کے چینل کو آپ کو سبسکرائب شیئر بھی کریں کیونکہ بڑی محنت ہوتی ہے آپ آگے دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے فری کورس کام کرتے ہیں یہ وہ نہیں کوئی پیسے لے کے کسی کے نہیں کر رہے صحیح آپ تک پیغام پہنچ جائے محبت کا ایک پاکستانی ڈش ہوگا اللہ تعالیٰ ایسی مہکتا ہوا گلدستہ رکھے ہم پاکستانیوں کا پوری دنیا میں نام ہو ہمارے پاکستان کا پاکستان زندہ آباد ثاقب مبین بھائی زندہ آباد بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اوکے جی ہم نے غوثیہ کی نلی بریانی ٹرائی کر لی ہے انڈیڈ اٹ واز دا بیسٹ بریانی ٹوٹلی بریانی نہیں ہے یہ پلاؤ بھی ہے اور بریانی بھی ہے اور ٹوٹل انہوں نے مکس کر کے چیز بنائی ہوئی ہے اور بہت کمال چیز بنائی ہوئی ہے ماشاء اللہ اللہ کے کام میں برکت دے تو ابھی آپ سے ملاقات کریں گے ان شاء اللہ اگلی ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں دس از مائی انسٹاگرام انسٹاگرام پہ فالو کرنا مجھے نہیں بھولنا آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے گپ شپ ہوتی ہے آپ سے باتیں ہوتی ہیں جو اسٹوری لگتی ہے میں نے کسی شہر میں جانا ہوتا ہے آپ کے انویٹیشنس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے جو بھی کرنا ہوتا ہے انسٹاگرام پہ ہوتا ہے بھائی انسٹاگرام پہ مجھے فالو کرنا نہیں بھولنا اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ سبسکرائب نہیں کریں گے تو میری حوصلہ شکنی ہوتی ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں نہیں پسند آ رہی تو شیئر کر دیں اگر آپ کو میں پسند ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میں زہر لگتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ